Here we go. So let us finally start our today's session. Here we go. Basically in today's session what we'll be discussing, तो आज हम additional के questions करेंगे. Additional में सारे questions करना जरूरी नहीं है. हम आज 18 chapter, last chapter के additional के questions कर रहे हैं. एडिशनल में लगभग 100 क्वेश्चंस हैं और आपको 100 में से सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन करने की जरूरत है. उसका रीजन ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो 5 मार्क्स के हैं, मतलब बहुत लेंथी क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है. बाकी कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपको सारे करना है. ठीक है, लगभग 60 या 50 तो थियोरेटिकल क्वेश्चन होंगे ही होंगे 100 में से, तो वो 50 तो आपको करना ही करना है. इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको कर पा रहा हूँ. ठीक, चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पे पढ़ो, उसका आंसर दो. इफ द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन अ प्लेस हैव इंक्रीज्ड 1.25 टाइम्स इन कंपैरिजन टू द बेस पीरियड, देन द इंडेक्स नंबर ऑफ द प्राइस ऑफ दैट प्लेस इज नाउ. इंडेक्स नंबर पता करना है आपको कुछ. ये एक नंबर में आसानी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. हाँ बेटा, पच्चीस ऑप्शन ए. ऑप्शन ए बेटा, ऑप्शन ए सबसे गलत ऑप्शन है. बाकी और कुछ, चलो खत्म. इधर देखो, इफ द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन अ प्लेस, सबसे पहले मुझे इंडेक्स नंबर निकालना है या प्राइस इंडेक्स निकालना है, तो क्या लिखूंगा? P1/P0 × 100. 100 की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे. अब P1 क्या है बेटा, सॉरी P0 क्या है? बेस प्राइस. मैंने बेस साइज प्राइस को X मान लिया. बेस प्राइस दी है क्या क्वेश्चन में? नहीं दी, तो मैंने X मान लिया. और ये बेस प्राइस हो गई X, और ये जो करंट प्राइस है वो कितनी है? तो इन अ प्लेस हैव इंक्रीज 1.25 टाइम्स इन कंपैरिजन टू द बेस पीरियड. जो करंट प्राइस है वो बेस पीरियड के कंपैरिजन में 1.25 टाइम्स बढ़ गई है. ठीक है ना, तो ध्यान से सुनो. पहले प्राइस कितनी थी? बेस प्राइस से 1.2 टाइम्स बढ़ गई है. तो एक्स तो आएगा ही आएगा बेस प्राइस, प्लस 1.25 एक्स भी आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि इतनी बढ़ गई है, ये बढ़ा हुआ हिस्सा है. पहले एक्स थी, अब 1.25 टाइम्स एक्स और बढ़ गई, तो कितनी हो गई बेटा टोटल? 2.25 एक्स हो गई. हाँ कि ना, बस ऊपर लिख दो 2.25 एक्स इंटू 100. X कैंसल और ये X कैंसल, 2.25 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आंसर. कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इसमें यही गलती होती है, बार बार बच्चा ए ऑप्शन लगा के आता है, ये गलत है. टेस्ट में भी मैंने कई बार दिखा है. आप इस चीजों का ध्यान रखें कि 1.25 टाइम्स बढ़ गई है, तो पहले X तो होगी ना, फिर उसमें बढ़ाएंगे तो 2.25 हो जाएगा. इस कैलकुलेटर की प्राइस 100 रुपए, कितनी बेटा? 100 रुपए. और मैंने बोला कि इसकी प्राइस 50% बढ़ गई, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर 100 + 50, 50% कितना होता है? 50 होता है ना 100 का, तो 100 रुपए पहले थी, अब 50% बढ़ गई, तो क्या आप 50 रुपए हो गई? नहीं, 100 + 50 करोगे, तो आपको यहाँ पे X + 1.25X करना है, क्योंकि 100 तो आएगी आएगी, प्लस 50% बढ़ा के लिखोगे तो 100 + 50. तो यहाँ पे भी वही चीज का ध्यान रखना है. आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, स्टार्ट सॉल्विंग, लेट मी नो द आंसर. क्या पूछ रहा है? इफ द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस एट द प्लेस इन 1994 इज 250, तो 1994 में जो प्राइस का इंडेक्स है PI कितना है? 250 है. 1984 बेस ईयर है, कितना है बेटा? 1984 बेस ईयर लिखा हुआ है, तो इसका प्राइस इंडेक्स कितना होगा? कैसे? बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स कितना होता है? 100. इस क्वेश्चन में लिखा है कि 1984 बेस ईयर है, तो उसका प्राइस इंडेक्स ऑब्वियसली बात है 100 होगा बेटा जी. अब पूछ क्या रहे हैं? देन द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड ऑन एवरेज, कितनी प्राइसेस बढ़ गई? तो बेटा इनका डिफरेंस ही तो प्राइसेस बढ़ाता है. कितना डिफरेंस इनका? 150. और ये डिफरेंस हमेशा किस में होता है? परसेंटेज में. तो 150%. ऑप्शन बी खाता. आ सकता नहीं, आएगा, आ कैसे सकता है? इंडेक्स नंबर क्या बताते हैं? डिफरेंस. इंडेक्स नंबर का डिफरेंस ही तो परसेंटेज चेंज होता है. अगर मान लो किसी का इंडेक्स नंबर 100 है और अगले का इंडेक्स नंबर 120 है, तो क्या उसको क्या बोलते हैं? 20% इंक्रीज बोलते हैं ना. तो फिर यहां पे भी 50% इंक्रीज बोलेंगे, 150% इंक्रीज बोलेंगे.
सीधी सी बात है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इंडेक्स जो है वो परसेंटेज इंक्रीज बताता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, 17th क्वेश्चन करो। इफ द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटी इन अ प्लेस हैव डिक्रीज्ड 35% ओवर द बेस पीरियड। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे साल नहीं दिए, ईयर नहीं दिए, तो प्राइस बेटा इधर देखो, मैंने 2010 को मान लिया बेस ईयर, अगर 2010 को बेस ईयर मान लिया तो प्राइस इंडेक्स कितना आएगा। तो आप क्या बोल रहे हैं, इफ द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन अ प्लेस हैव डिक्रीज्ड 35% ओवर द बेस पीरियड प्राइसेस, मतलब अगले साल प्राइस डिक्रीज हो गई कि इंक्रीज हो गई। डिक्रीज हो गई, कितनी डिक्रीज हुई, 35%। तो बेस इसका ये इंडेक्स क्या आएगा, खत्म, आंसर ऑप्शन सी। द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस ऑफ दैट प्लेस इज नाउ, इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा उस प्लेस का, 65। क्यों होगा, क्योंकि बेटा बेस पीरियड का हमेशा 100 होता है और इन्होंने लिखा है कि 35% डिक्रीज हो गया, तो 100 में से तो 35 माइनस करेंगे, क्योंकि जो इंडेक्स नंबर होता है वही तो परसेंटेज चेंज बताता है ना। चलो इस बात का ध्यान रखना, ये 2010 2011 कहां से आया, आपको बस ऐसे समझाने के लिए लिख दिया, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा है ना, 10 11 आपको समझाने के लिए लिखा है। अगला क्वेश्चन, ये तो फॉर्मूला है, चलो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं कह सकते, ऑप्शन सी करेक्ट है। आपसे क्या पूछा, रिलेटिव इंडेक्स नंबर पूछा है, रिलेटिव इंडेक्स कैसे हम बताते हैं, तो प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर, एन और एन माइनस वन, एन मतलब 2011 है तो एन माइनस वन कितना होगा 2010, तो प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो ये एन माइनस वन ऐसे आएगा इन टू 100। ठीक है बेटा जी, ऑप्शन सी करो इसको टिक, सब कुछ क्लियर है बेटा, प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर, इसलिए n आया तो नीचे n माइनस वन आना चाहिए, n प्लस वन गलत हो जाएगा, ये n माइनस ये p जीरो ऊपर नहीं आना चाहिए, खत्म। आगे अगला क्वेश्चन, ये तो आपको आता है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैंने पढ़ाया है, फिशर्स इंडेक्स, फिशर का इंडेक्स जो होता है ना फिशर, वो फिशर का इंडेक्स कैसे निकालते हैं, हमने रूट के अंदर कुछ मल्टीप्लाई किया था, याद आया कुछ, फिशर्स का इंडेक्स पढ़ाया मैंने आपको, ए वाला, वेरी गुड बेटा, जियोमेट्रिक मीन ऑफ लेस्प्रेज इंडेक्स एंड पार्शियल इंडेक्स, तो लेस्प्रेज और पार्शियल के इंडेक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, रूट के अंदर डालते हैं तो अपना फिशर्स का इंडेक्स आ जाता है, ये मैंने पढ़ाया, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी इसलिए गलत है क्योंकि इसके ऊपर रूट नहीं है, ऑप्शन सी इसलिए गलत है क्योंकि इसमें मार्शल एजवर्थ आ गया, नहीं आना चाहिए था, ऑप्शन डी की तो बात ही नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़े बेटा जी, बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पढ़ो 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 इस क्वेश्चन को, चलो इधर देखो बेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जानते हो क्या होता है, सीपीआई, सीपीआई क्या बताता है, महंगाई बताता है कि महंगाई साल दर साल कितनी बढ़ रही है, कौन बताता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, सिंपल सी बात है। तो 1940 क्या है, बेस ईयर है क्या, तो इसका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना होगा, तो और इसी साल में उस व्यक्ति की सैलरी कितनी होगी, 1940 में सैलरी कितनी है, पढ़ के दिखाओ, सुनाओ बताओ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर 1957 का सीपीआई भी दिया है, कितना दिया है 313, और विद 1940 इज बेस ईयर, द एवरेज मंथली वेजेस इन द 1957 ऑफ द वर्कर्स इन फैक्ट्री इज 160 रुपीस, तो 1957 में सैलरी कितनी है 160, 1940 में सैलरी कितनी है, नहीं थी, अरे बोलो ना, नहीं थी, क्या दी है क्या, नहीं थी, तो क्या लिखेंगे, और पूछ क्या रहा है आपसे, एक्स ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक्स ही पूछ रहा है, अब इन्होंने यहाँ इसको क्या लिख दिया, देयर रियल वेज, एक्स ही पूछ रहे हैं। अब देखो यहाँ तो दो ही चीजें पूछ सकते हैं, एक्स या 160, 160 तो ऑलरेडी दिया है, पूछेंगे कैसे, है ना, तो अभी इसका मैंने फंडा आपको समझाया था, इधर देखो, पुरानी सैलरी डिवाइडेड बाय पुराना इंडेक्स नंबर, नई सैलरी डिवाइडेड बाय नया इंडेक्स नंबर, खत्म, यहाँ से एक्स निकाल लो, वेरी गुड बेटा, मेरा आंसर आ रहा है। हाँ, एनीवे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सबको समझ में आया,
क्या फॉर्मूला क्या है? नई सैलरी डिवाइडेड बाय नया इंडेक्स नंबर, पुरानी सैलरी डिवाइडेड बाय पुराना इंडेक्स नंबर, खत्म। नई बाय मतलब सैलरी को इंडेक्स नंबर से डिवाइड करो, इंडेक्स नंबर को सैलरी से डिवाइड करो, एक ही बात है, बस दोनों तरफ एक ही चीज करना है। आया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। ओहो, ये क्या पूछ लिया? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ 1950 विद रिस्पेक्ट टू बेस 1960 क्या आएगा? अच्छा सुनो, यहाँ पे जो डेटा दिया है उसके हिसाब से ही फॉर्मूला लगेगा। मान लो मैं अब मेरे पास है ना, ये पूछ क्या रहे हैं तो CLI पूछ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, मतलब हमारे लिए तो हमको इंडेक्स नंबर पूछ रहे हैं। अब इंडेक्स नंबर निकालने के कितने तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं बेटा, सिंपल एवरेज, साई और श्री, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स और सिंपल रिलेटिव इंडेक्स, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, सिंपल रिलेटिव इंडेक्स, दो तरीके। फिर वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड रिलेटिव। वेटेड एग्रीगेटिव में चार तरीके हैं, लेस्प्रेस, फिशर्स, मार्शल एजवर्थ और कौन है, पाशेस। ये चार तरीके वेटेड एग्रीगेटिव में है। और फिर वेटेड रिलेटिव खुद में एक अलग मेथड है। तो इतने सारे तरीके हैं इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के, पर मुझे जो डेटा दिया है उसके हिसाब से मुझे फॉर्मूला लगाना है। तो मुझे तो दिख रहा है कि डेटा इन्होंने क्या दिया, ये एनकॉम वन पढ़ते हैं, आपको पता है ना बेटा, एनकॉम वन पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या क्या डेटा दिया है, अगर मैं बात करूं तो इन्होंने डेटा दिया है समेशन ऑफ P0 Q0। ये Q0 मतलब क्वांटिटी है ना, कितना दिया है, और समेशन ऑफ P1 Q0 दिया है। ये किसके, ये कितना है, 3850। अब मुझे एक बात बताओ, ये किसके फॉर्मूले में आते हैं दोनों? लेस्प्रेस के फॉर्मूले में, याद आया? लेस्प्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? ये लेस्प्रेस का फॉर्मूला है, याद है कुछ? आया समझ में कुछ? ये लेस्प्रेस का फॉर्मूला है तो यही लगाऊंगा, क्योंकि डेटा तो मुझे यही दिया है, बस। तो लगा ऊपर क्या आएगा, P1 Q0 कितना है, 3850 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 3500 इनटू कितना आएगा, 100, 3850 डिवाइडेड बाय 35, 1110 110 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ना। आप मुझसे ये मत पूछना कि सर लेस्प्रेस का फॉर्मूला क्यों लगाया, फिशर का क्यों नहीं लगाया, मार्शल एजवर्थ का क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डेटा ही नहीं दिया है। जो डेटा दिया है लेस्प्रेस का तो वही लगाऊंगा, सिंपल सी बात है। आगे बढ़े बेटा जी, चलो हियर वी गो, अगला क्वेश्चन। ये तो आप कर ही लोगे, बहुत प्यारे बच्चे हो आप। वही नई सैलरी डिवाइडेड बाय नया इंडेक्स नंबर, पुरानी सैलरी डिवाइडेड बाय पुराना इंडेक्स नंबर, खत्म। इन 1980 द नेट मंथली इनकम, 1980 में मंथली इनकम, इसको मैं सैलरी भी तो बोल सकता हूँ, सैलरी बोल दिया मैंने इसको, 800 रुपए है। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर वॉज 160 इन 1980। तो CPI कितना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, 160। इट राइजेस टू 200 इन 1984। 1984 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना हो गया, 200। इफ ही हैज टू बी राइटली कंपनसेटेड द एडिशनल DA टू बी पेड टू एम्प्लॉय, नई सैलरी बता करो, नई सैलरी कितनी हो जाएगी, एक्स। अभी रुको, 1000 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है। आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा है कि हाउ मच द एडिशनल DA टू बी पेड टू द एम्प्लॉय। DA का क्या मतलब होता है, DNS अलाउंस, महंगाई भत्ता, पढ़ाया था मैंने DNS अलाउंस। तो 800 उसको मिल रहे हैं, लेकिन आप 1000 देना है तो कितना और देना पड़ेगा, 200, खत्म। एनीवे मैं आपको एक बार और करके दिखाऊंगा, नई सैलरी, नहीं पुरानी सैलरी डिवाइडेड बाय पुराना इंडेक्स नंबर, नई सैलरी डिवाइडेड बाय नया इंडेक्स नंबर। तो यहां से मुझे x की वैल्यू आराम से मिलेगी, 800 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 160, कितना, 1000 आ रहा है ना, ठीक है, आपने बोल दिया तो 1000 आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हमसे एक 1000 तो कोई आंसर में नहीं है, पर हमसे पूछा गया, हमसे पूछा है कि कितना और DA देना पड़ेगा, DNS अलाउंस देना पड़ेगा, ये पूछ रहा है वो आपसे। DA का फॉर्मूला क्या होता है, DA का फॉर्मूला होता है न्यू सैलरी माइनस ओल्ड सैलरी। तो न्यू सैलरी कितनी आ गई, 1000, ओल्ड सैलरी कितनी है, 800, कितना और देना पड़ेगा, 200, ऑप्शन कौन सा, सी, खत्म। तो DA का मतलब ये होता है कि कितनी और सैलरी हम दे दें, ये
कि महंगाई का कोई फर्क उस पर नहीं पड़े। अगर वो पहले ऑडी में घूम रहा है तो अब भी ऑडी में घूमे, 200 रुपये और दे देंगे तो वो ऑडी में घूमने लग जाएगा, अगर पहले घूम रहा होगा तो। ठीक, आगे बढ़े बेटा जी, अगला क्वेश्चन, हियर वी गो। ये भी कुछ इसके जैसे ही है, हो जाओ शुरू। इसमें भी डीए पूछा है, हाँ ध्यान रखना, एक्स्ट्रा अलाउंस पूछ रहा है, मतलब भाई डीए एक्स्ट्रा अलाउंसेस पूछ रहा है। बेस ईयर 1960 द कंज्यूमर लिविंग इंडेक्स CLI विद द बेस ईयर 1960 द CLI 1972। अच्छा CLI 1960 बेस ईयर है तो इसका CLI 100 होगा, 1972 बेस ईयर नहीं है तो इसका दिया है 250। एक्स वाज गेटिंग मंथली सैलरी ऑफ 500 इन 1960, सैलरी कितनी मिल रही थी उसको, 500 रुपये 1960 में, एंड 750 रुपीज़ इन 1972। अरे इसमें तो नई सैलरी भी थी पुरानी सैलरी भी थी, फिर क्या करेंगे, टू मेंटेन हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन 1960 एक्स हैज टू रिसीव एन एक्स्ट्रा अलाउंस ऑफ। अब ध्यान से सुनो, ये 750 जो है ना वो नई सैलरी थी, अब नई सैलरी डिवाइडेड बाय, अब तो कुछ अननोन तो बचा नहीं इसमें, आपको क्या करना है, नई सैलरी दी है लेकिन ये कम है, नई सैलरी दी है लेकिन ये कम है, तभी तो एक्स्ट्रा अलाउंस की बात हो रही है कि उसको और कितना दें कि उसकी नई सैलरी जो है वो महंगाई के हिसाब से बराबर हो जाए, उसकी पूर्ति हो जाए, है ना, उसका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाए। तो उसके लिए आपको है ना नई सैलरी को एक्स मान लेना है और नई सैलरी निकालना है, फिर नई सैलरी में से 750 घटा लेना, उतना और देना पड़ेगा उसको। तो मैं नई सैलरी को एक्स मान लूंगा, फिर से वही फॉर्मूला लगाऊंगा, पुरानी सैलरी डिवाइडेड बाय पुराना इंडेक्स नंबर, नई सैलरी डिवाइडेड बाय नया इंडेक्स नंबर, खत्म। 250 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 100, 0000 कैंसिल, 250 इंटू 5 1250 आएगा, आ रहा है क्या? अब सुनो, हाँ अब ध्यान से सुनो बेटा, नई सैलरी उसको देनी कितनी चाहिए थी, महंगाई के हिसाब से उसको कितनी सैलरी देनी चाहिए थी, 1250 दी कितनी, तो आपको आपको नहीं लगता उसको कुछ और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बेटा बराबर करने के लिए, कितना देना पड़ेगा बेटा जी, 500 रुपये, तो डिफरेंस कितना आएगा, 500। ऑप्शन कौन सा, बी। ऐसे निकालते हैं, नई सैलरी हमने जब कैलकुलेट करी ना इंडेक्स नंबर के हिसाब से तो 1250 आई, लेकिन वो जो एम्प्लॉयर है वो उसको नई सैलरी 750 ही दे रहा था, तो कितना और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कि उसकी नई सैलरी महंगाई के हिसाब से सफिशियंट हो जाए, है ना, तो कितना और देना पड़ेगा, 500। आई होप कि आपको समझ में आया, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक्स अननोन करना है, नई सैलरी को अननोन मानना है, तब जाके आंसर आएगा। ठीक है बेटा जी, ये क्वेश्चन एक नंबर में आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, कोई बुराई नहीं है, जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं सारे क्वेश्चन एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए तो मैं करवा रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन, ओहो हो, ये तो आप देख के बता दोगे, मतलब आंखों से बता दोगे, आंखों से। क्या बेटा जी, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, समझदार हो आप। द इंडेक्स नंबर ऑफ होलसेल प्राइस इज 152 इन द 1999 में इंडेक्स नंबर कितना है, 152 कंपेयर टू द अगस्त 1998। अच्छा 1998 से कंपेयर कर रहे हो तो 1998 क्या हो जाएगा, वेरी गुड बेटा, बेस ईयर हो जाएगा, क्योंकि 1998 से कंपेयर कर रहे हो तो ये बेस ईयर हो जाएगा, मुझे 1998 ऊपर लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप समझ गए ना। तो आप ध्यान से सुनो, ये पूछ रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर देर इज अ नेट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ होलसेल कमोडिटी। बेटा पहले 100 था, अब 152 हो गया, कितना परसेंट बढ़ा, 52%, क्योंकि इंडेक्स नंबर क्या बताते हैं, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज, तो 100 से 152 हो गया, कितना परसेंट बढ़ गया, 52%, खत्म। आगे बढ़े, समझ में आया बेटा, बहुत बढ़िया, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अगला क्वेश्चन करो। ये तो आप ऐसे ही देख के बता दोगे, ये भी आप देख के बता दोगे, वेरी गुड बेटा, एब्सोल्युटली राइट, ये क्वेश्चन तो आप देख के बता दोगे कि द प्राइस लेवल ऑफ ए कंट्री इन ए सर्टेन ईयर हैज इंक्रीज बाय 25% ओवर द बेस पीरियड। तो बेस पीरियड में 2010 मान लेता हूँ, 2010 में बेस पीरियड में इंडेक्स नंबर कितना था, 100, और 2011 में एक साल बाद कितना बढ़ गया, 25%, तो कितना हो जाएगा, 125, खत्म। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, द इंडेक्स नंबर इज कितना है, 125, क्यों,
क्योंकि बेस पीरियड से 25% बढ़ गया और बेस पीरियड का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 होता है। अब 100 को 25% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो नया इंडेक्स नंबर कितना आएगा, 125 आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप कि आपको समझ में आया। आगे बढ़े बेटा, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आप करोगे, मैं आपका आंसर चेक करूंगा, बताओ। अरे ये तो मैंने करवा दिया, गलती से डबल हो गया, ये तो मैंने करवा दिया, 225। वेरी गुड बेटा, आज ही करवाया ना अभी, ये करवा दिया है ना, गलती से रिपीट हो गया। ये गलती से शायद मॉड्यूल में ही रिपीट हो गया है, क्योंकि उस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का नंबर 47 है, उसका कुछ और था, मतलब गलती से मॉड्यूल में ही रिपीट हो गया है ना, 15 था वो, तो ये मॉड्यूल रिपीट हो गया, इसका 225 आंसर आएगा। कैसे आएगा, तो ऊपर कितना आ रहा था वो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था, P1 by P0 into 100, P1 कितना था तो x plus 1.25x था, नीचे भी x था, into 100 था, तो 225 आंसर आया था। पूरा सॉल्यूशन भी लिख दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करो, 48। ये तो आप देख के बता दोगे। The wholesale price index और agriculture commodities in a given region to date is 180, मतलब 2000, वेरी गुड बेटा, 2010 में 280 मान लेते हैं, क्या प्राइस इंडेक्स PI, द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज ओवर द बेस ईयर, बेस ईयर 2009 मान लेते हैं, तो बेस ईयर में प्राइस इंडेक्स कितना होगा बताओ ना, बेस ईयर में प्राइस इंडेक्स कितना होगा। सो अब ये 2010 और 11 कहाँ से, 2009 और 10 कहाँ से आए, ऐसे ही लिख दिए समझाने के लिए है ना। तो 2009 में प्राइस इंडेक्स, बेस ईयर 2009 को मान लिया, तो प्राइस इंडेक्स 100 था, अब बढ़ के 280 हो गया, कितने परसेंट बढ़ा, 180% खत्म। देख के बता दोगे तो आप, ऑप्शन सी 180 इज द करेक्ट आंसर, 180% बढ़ गया, क्या बढ़ा, प्राइस इंडेक्स। ठीक है आगे बढ़े बेटा, चलो अगला क्वेश्चन ये वाला करो। आया कुछ साउंड में, आर वी डन विद दिस, चलो मैं डेटा तो लिखूं कम से कम। '60 में बेस पीरियड है ना, द इंडेक्स 1970 ऑन द बेस 1960, 1960 तो बेस है, तो ये इसका प्राइस इंडेक्स आ जाएगा 100। इफ द 19, फिर एक 1965 भी है और एक 1970 भी है, तो अगर मैं 1960 की बात करूं, इफ द 1970 इंडेक्स विद द बेस 1965 इज 200, ठीक है, तो 1970 का इंडेक्स जो है वो बेस 200 है, कब, 1965 को बेस लेना है, ठीक है, अगर 1965 को बेस लोगे तो इसका प्राइस इंडेक्स कितना हो जाएगा, 100, और ऊपर वाले का आपने को नहीं पता है ना, 1960 का आपने को कुछ भी नहीं पता। फिर आगे बढ़ते हैं, 1970 इंडेक्स विद द बेस 1965 इज 200 एंड 1965 इंडेक्स विद द बेस 1960, 1965 का इंडेक्स विद द बेस 1960, तो 1960 का हो जाएगा 100 और 1965 का इज 150, गिवन इज 150, द इंडेक्स 1970 ऑन द विद ऑन द बेस 1960 पता करना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये जो मैंने वर्टिकल कॉलम बनाया ना, ये वाला वर्टिकल कॉलम, इसका बेस कितना है, 1960, ये पूरा वर्टिकल कॉलम मैंने 1960 को बेस मान के बनाया, ये जो वर्टिकल कॉलम है ये बेस किसको मान के बनाया, 1960। क्या करना है आपको, एक्स पता करना है आपको, 1970 का प्राइस इंडेक्स पता करना है किसको बेस मान के, 1960 को बेस मान के, लिखा हुआ ना, द इंडेक्स, द प्राइस इंडेक्स ऑफ 1970 ऑन द बेस 1960 पता करना है, मतलब एक्स पता करना है। एक्स कैसे पता करते हैं, चिल्ला चिल्ला के समझाया था,
known unknown by known by known is equals to unknown by unknown. Khatam. ये इन दोनों का डिवीजन, इन दोनों का रेशो, इन दोनों के रेशो के बराबर होगा. ये कहां पढ़ाया था, ये कहां पढ़ाया था? शिफ्टिंग ऑफ बेस. शिफ्टिंग ऑफ बेस में मैंने समझाया था कि रेशो ऑफ नॉन इज इक्वल टू रेशो ऑफ अननोन. तो 100 by 150, 200 by x, यहां से आंसर आ जाएगा. हाँ बेटा, 200, ये x, 0000 कैंसिल, 2 × 150, 300. x की वैल्यू आ जाएगी 300. ऑप्शन बी है ना. बड़ा आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन. आगे बढ़े, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चलो ये वाला क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है. ओहो हो, क्या पूछ रहा है? निकालो, कॉल करो इसको. क्या पूछ रहा है, निकालो. सोचो कैसे निकालेंगे. ध्यान से सुनो, दो प्राइजेस दिए तो प्राइस का रेशो निकल जाएगा, दो क्वांटिटी दिए तो क्वांटिटी का रेशो निकल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. पूछ क्या रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस रेशो एंड क्वांटिटी रेशो. तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है. प्राइस देखो, क्वांटिटी देखो, दोनों का डिवाइड. इधर देखो, ये 7.5 क्या है? प्राइस देखिए, क्वांटिटी बस इतना बता दो. प्राइस, ये 5 क्या है? प्राइस. इन दोनों में से नई प्राइस कौन, पुरानी प्राइस कौन? द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 5 rupees टू 7.5 rupees. तो नई प्राइस क्या है? नई क्या है? 7.5. पुरानी क्या है? 5. तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि P0 कितना है? 5. P1 कितना है? 7.5. दूसरा, द क्वांटिटी कंज्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम वन, क्वांटिटी 0 और क्वांटिटी 1 है ना, तो क्वांटिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 120 यूनिट टू 90 यूनिट. तो मतलब Q0 कितना था? 120. बाद में कितना हो गया? 90. अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ये बाकी का कोई काम का नहीं. अपने पूछा क्या, प्राइस रेशो इनटू क्वांटिटी रेशो. प्राइस का रेशो कैसे निकालेंगे? P1 बाय P0. किससे मल्टीप्लाई करूं इसको? क्वांटिटी रेशो से. Q1 बाय Q0 का था. P1 बाय P0 करो. कितना आना बेटा? वेरी गुड बेटा, 1.125. सही बात है, ये करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी. क्लियर दिया ना हमने, प्राइस रेशियो इनटू क्वांटिटी रेशियो. तो प्राइस का रेशियो निकाल लूंगा. प्राइस का रेशियो भी कैसे निकालूंगा? नई प्राइस डिवाइडेड बाय पुरानी प्राइस. क्वांटिटी का रेशियो कैसे निकालूंगा? नई क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पुरानी क्वांटिटी. फिर उनका प्रोडक्ट करना है, ऐसा लिखा है इसने कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइस रेशियो एंड क्वांटिटी रेशियो. तो प्रोडक्ट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा. आसान क्वेश्चन था. अच्छा जी, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन. ओहो, ये तो आप कर ही लोगे, नई सैलरी पुरानी सैलरी. यहाँ ये 2010 और 2011 ऐसे ही ले रहा हूं ना आपको समझाने के लिए. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गोज अप फ्रॉम CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गोज अप फ्रॉम 110 से 200 हो गया. एंड द सैलरी ऑफ वर्कर इज ऑल्सो रेज फ्रॉम 325 से 500. 325 पहले थी, अब 500 हो गई, ये सैलरी है. Therefore, in real terms, maintain his previous standard of living, he should get additional amount. Oh, oh, additional amount. अभी क्या था क्या question? क्या करते हैं? इसको क्या ले लेते हैं? नई सैलरी को क्या मान लेते हैं? X. फिर नई सैलरी निकालते हैं. अगर वो 500 से ज्यादा आएगी तो उतना डिफरेंस अपने को और देना पड़ेगा. तो क्या करेंगे,
नई सैलरी, पुरानी सैलरी डिवाइडेड बाय पुराना इंडेक्स नंबर, नई सैलरी को मैं एक्स मानूंगा डिवाइडेड बाय नया इंडेक्स नंबर, खत्म। वेरी गुड बेटा जी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 325 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 110। अच्छा 590.9 इतनी उसको सैलरी मिलनी चाहिए थी। क्या मिली क्या उसको इतनी सैलरी? नहीं मिली बेटा जी। कितनी मिली उसको? उसको 500 ही मिली, जबकि मिलनी इतनी चाहिए थी। तो कितना और देना पड़ेगा? 90.9 उसको और देना चाहिए, तो बराबर हो जाएगा। कहाँ है 90.9? ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी आएगा आंसर। उसको मिलना 590 रुपीज चाहिए थे, मिले 500 ही, तो 90 रुपए और देना पड़ेंगे, तभी तो उसको उसका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन हो पाएगा। वैसे ये तरीका ना, ये सारी कंपनीज, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि वो साल, हर साल का प्राइस इंडेक्स देखें और इसके हिसाब से अपने एम्प्लॉयज को कंपनसेट करें। मान लो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी 50,000 रुपए महीना है। अब वो 2010 में आप, 2022 में आपकी 50,000 है। अब 2023 का प्राइस इंडेक्स देखो, आपके ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि यार प्राइस इंडेक्स इतना बढ़ गया, तो उनको भी यही करना चाहिए। नई सैलरी डिवाइडेड बाय नया इंडेक्स नंबर, पुरानी सैलरी डिवाइडेड बाय पुराना इंडेक्स नंबर, उनको नई सैलरी कैलकुलेट करना चाहिए और डिफरेंस अमाउंट देना चाहिए। ये सही तरीका है, होना चाहिए ऐसा। चलो आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन करो। द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इन द ईयर 1975 इन, अच्छा प्राइस रिलेटिव कैसे निकालते हैं, प्राइस रिलेटिव कैसे निकालते हैं? चलो इधर देखो, द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द ईयर 1975, बेटा प्राइस इंडेक्स नहीं दिया, क्या दिया है? प्राइस इंडेक्स नहीं दिया, क्या दिया? प्राइस दिए, बहुत बढ़िया। 1975 में कितनी प्राइस थी? 25, और 1980 में कितनी थी? 30 रिस्पेक्टिवली। टेकिंग 1980 एज बेस, बेस किसको लेना है? तो पी जीरो कौन होगा? 1980 को बेस लेना है, तो ये पी जीरो हो जाएगा और ये पी वन हो जाएगा, खत्म। पूछ क्या लिया आपसे, पूछ क्या लिया? प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव का मतलब होता है पी जीरो वन, है ना। इसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि आंसर ऑप्शन देख के पता चल रहा है। प्राइस रिलेटिव अभी निकाल लेते हैं। वैसे प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस इनटू 100। ये प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको पढ़ाया। अब इसी चीज को मैं पी वन बाय पी जीरो भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। करंट प्राइस कितनी? 25। बेस प्राइस कितनी? 30 इंटू 100। सर आप 30 को बेस क्यों ले रहे हो, जबकि 30 तो 1980 है, बाद का साल है, बाद के साल को बेस क्यों ले रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला है कि 1980 को बेस लो, ठीक। कौन क्या आंसर आ रहा है? None of this, Adam? None of this. कितना आया फिर भी, एक बार फिर से बोलना। 83.33 मेरा आंसर आ रहा है। 25 को 30 से डिवाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो none of this। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन। None of this पर क्लिक करने वाले की लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए। ऐसा लगता है कि अपना आंसर गलत आ गया, ऐसा लगता है बच्चों को। चलो During a certain period, the cost of living index number goes up from, अच्छा अरे फिर भाई नई सैलरी नया नया इंडेक्स नंबर, पुरानी सैलरी पुराना इंडेक्स नंबर। वेरी गुड बेटा, मैं ना बस एग्जाम्पल के लिए 2010 और 11 ले रहा हूँ, ऐसे ही समझाने के लिए। इंडेक्स नंबर दिया है, प्राइस इंडेक्स और सैलरी दी है, तो उसकी पहले प्राइस इंडेक्स 110 था, फिर वो बढ़ के 200 हो गया, एंड सैलरी 330 थी पहले, अब 500 हो गई, ठीक। अब 500 को क्या मान लेंगे? एक्स। क्या करेंगे? पुरानी सैलरी डिवाइडेड बाय पुराना इंडेक्स नंबर, नई सैलरी कितनी बेटा? एक्स डिवाइडेड बाय नया इंडेक्स नंबर। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600।
अब उसको मिलने कितने चाहिए थे बेटा जी, 600 रुपए। मिले कितने? 500 ही मिले उसको, है ना। मिलने चाहिए थे 600 रुपए महंगाई के हिसाब से, पर मिले 500 ही, तो 100 रुपए उसको और मिलने चाहिए। तो आपसे ही पूछ रहे हैं कि द वर्कर डज नॉट रियली गेन द रियल वेजेस डिक्रीज्ड बाय, तो वाकई में डिक्रीज हो गया उसका। तो मिलने 600 थे, मिले 500 ही, तो डिक्रीज कितने से हुआ? 100 रुपए से। तो आंसर 100, ऑप्शन सी। अब तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी ये सैलरी वाले क्वेश्चन में, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पास्ट ईयर में आए हुए हैं, पास्ट ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। नहीं अब ये मुझे फिगर तो एग्जैक्ट याद नहीं है कि क्या सैलरी दी थी, पर ये नई सैलरी और पुरानी सैलरी वाला क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन, ये तो कर चुके हैं, मत करो, मत करो बेटा, कर चुके हैं ये क्वेश्चन, एग्जैक्ट कर चुके हैं। इसका आंसर कुछ 200 आ रहा था ऐसा लग रहा है मुझे, चलो फिर भी कर लेते हैं हम, ऑप्शन दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ। 1980, 1984 प्राइस इंडेक्स सैलरी, द मंथली इनकम ऑफ एम्प्लॉय वाज 800 रुपए थी, इनकम कब और एंड इंडेक्स नंबर वाज 160, इंडेक्स नंबर 200 हो गया और फिर प्राइस पता नहीं कितनी हो गई। एडिशनल डीएनएस अलाउंस 200, ऑप्शन खत्म। ये 200 कहीं किसी क्वेश्चन में आंसर आया था इसी का, है ना, इसलिए मुझे लग रहा है कि हम कर चुके हैं ऐसा लगा मुझे, और वाकई में कर चुके हैं। तो नई सैलरी नहीं, पुरानी सैलरी डिवाइडेड बाय पुराना इंडेक्स नंबर, नई सैलरी डिवाइडेड बाय नया इंडेक्स नंबर, 00 कैंसल। अच्छा मेरा एक्स की वैल्यू आ रही है 1000, जब एक्स की वैल्यू 1000 आ रही है और पहले उसको 800 मिल रहे थे, तो कितने और मिलने चाहिए उसको? 200 रुपए। तो आंसर नन ऑफ दिस है ही नहीं, ऑप्शन नन ऑफ दिस। हाउ मच डीएनएस अलाउंस, अच्छा डीएनएस अलाउंस क्या होता है, डीए बोलते हैं उसको, डीएनएस अलाउंस क्या होता है? न्यू सैलरी माइनस पुरानी सैलरी, वेरी गुड बेटा। तो न्यू सैलरी 1000 आई, पुरानी सैलरी आई 800, डिफरेंस आया 200, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में भी आया। अब ये वाला क्वेश्चन करो, ये तो आपका मजा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन इंडेक्स नंबर्स थे, तो आई मीन ये प्योरली लॉजिकली करना है आपको, इनमें इंडेक्स नंबर का कोई काम ही नहीं है, इंडेक्स नंबर के बारे में सोचना भी मत, बस आप ये सोचो लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैसा लगा? अच्छा क्वेश्चन है ना बेटा, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई इंडेक्स नंबर नहीं लग रहा, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। चलो अब ध्यान से सुनो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें एक भी नंबर नहीं दिया हो, सारी बात परसेंटेज में करिए, इसमें कुछ नंबर दिया है क्या? नहीं दिया, सारी बात परसेंटेज में करिए भाई, मतलब पैसे रुपए कहीं नहीं दिए कि 100 रुपए बढ़ गए, 200 रुपए बढ़ गए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, बस क्या बोला, इतना परसेंटेज बढ़ गया, उतना परसेंटेज बढ़ गया, और सारी बात परसेंटेज में करिए, तो फिर इसमें हमें नंबर कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैं मान लेता हूं, When the cost of tobacco was increased by 50%, a certain hardened smoker who maintained his formal scale of consumption said that his rise had increased his cost of living by 5%. मतलब है ना, एक आदमी है वो टोबेको कंज्यूम करता है, ठीक। अब बेटा जब टोबेको की प्राइस 50% बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 50% बढ़ गई, तो उसके जो रहने का खर्चा था, कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो 5% से बढ़ गया। अरे वो दिन भर टोबेको कंज्यूम करता है,
अब वो उसकी टोबैको की प्राइस 50% बढ़ गई, तो उसका रहने का खर्चा भी तो बढ़ेगा। रहने का खर्चा मतलब उसका जो मंथली बजट था कि महीने में जितना भी वो पैसा खर्च करता था उसमें और ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि टोबैको की प्राइस बढ़ गई है। और वो अपना फॉर्मल कंजम्पशन जो स्केल था, सॉरी जो पहले कंज्यूम कर रहा था वही कंज्यूम कर रहा है, उतना ही अमाउंट कंज्यूम कर रहा है, तो उसका लिविंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। समझ आता है? ठीक है, तो मैं ओल्ड प्राइस ऑफ टोबैको मान लेता हूं, ओल्ड प्राइस ऑफ टोबैको कितनी मान ली, 2 रुपए। तो न्यू प्राइस कितनी हो जाएगी, 150। क्यों, 50% बढ़ गई ना, तो पुरानी मैंने 100 मान ली, तो नहीं कितनी हो गई बेटा, 150। इंक्रीज कितना हुआ बोलो ना, कितना इंक्रीज हुआ, 50 रुपए का इंक्रीज हुआ। ठीक, अब ये 50 रुपए से उस पर क्या फर्क पड़ा बोलो ना बेटा, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई, कितनी बढ़ गई बेटा, 5%। अच्छा, तो आपने ऐसा बोला 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई उसकी, किसकी वजह से, इन 50 रुपए की वजह से। तो आपको नहीं लगता कि उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग का 5% कितना होगा, 50, खत्म। नहीं समझ में आया, अरे मैं आपको लॉजिकली करवा रहा हूं, ध्यान से सुनो, पेन वेन छोड़ दो, लिखना नहीं बेटा अभी, हाँ नहीं लिखना बेटा अभी। पुरानी प्राइस तो टोबैको की 100 रुपए, नई प्राइस 150, कितना बढ़ा, 50 रुपए बढ़ा। इस 50 रुपए की वजह से उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी बढ़ी, 5% बढ़ गई। मतलब ये 50 रुपए ने उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी बढ़ा दी, 5%। इन 50 रुपए ने उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी बढ़ा दी, 5%। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब मुझे उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बताओ, 50 रुपए की वजह से 5% बढ़ गई। अरे नहीं, पेन पेपर नहीं यूज करना, इधर देखो, 50 रुपए की वजह से 5% बढ़ गई, तो 100 रुपए की वजह से कितनी बढ़ेगी, 10%। अरे कॉमन सेंस लगाओ ना बेटा, 50 रुपए की वजह से अगर उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग 5% बढ़ गई, तो 100 रुपए की वजह से कितनी बढ़ेगी, 10%। 100 रुपए की वजह से अगर 10% बढ़ रही है, तो 1000 रुपए की वजह से कितनी बढ़ेगी, 2%। मतलब उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, 1000 रुपए। क्यों, क्योंकि 1000 का 5% कितना होता है, 50। उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी होगी, 1000 रुपए। तभी तो 50 रुपए बढ़ाने से 5% बढ़ गई, क्योंकि 1000 का 5% कितना होता है, 50। समझ में आ रहा है? तो यहां से मैं क्या निकाल लूंगा उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग 50 है, तो मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग को x मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं बेटा, x। तो 5/100 ऑफ x, कि उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग x का 5% कितना है, 50 है, तो यहां से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1000। कर लो कैलकुलेशन, ये 5/5 कैंसिल हो जाएगा और 50 में मल्टीप्लाई होगा, 1000 आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है उसकी, 1000। अब फिर से पूछ रहा है, क्या पूछ क्या रहा है भैया, वो पूछ ही रहा है, ये पूछ रहा है, द परसेंटेज ऑफ हिज कॉस्ट ऑफ लिविंग वाज ड्यू टू द बाइंग टोबैको, कितनी उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग का कितना परसेंटेज तंबाकू, ये टोबैको खरीदने की वजह से था, बताओ। इधर देखो, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, इधर देखो उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, 1000। और वो टोबैको भी कितना पैसा खर्च कर रहा है, 100 रुपीज कर रहा था, पहले 100 रुपीज कर रहा था, तो उसने पहले का ही पूछा है, बिफोर द चेंज इन प्राइस द परसेंटेज ऑफ हिज कॉस्ट ऑफ लिविंग वॉज ड्यू टू बाइंग टोबैको, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग का कितने परसेंटेज वो टोबैको बाय करने में खरीद रहा था, कितना स्पेंड कर रहा था, 10%। क्यों, क्योंकि वो 100 रुपए स्पेंड कर रहा था और उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, 1000। तो 1000 का 100 रुपए कितना होता है, 10% होता है, तो ऑप्शन क्या आएगा। तो ये पूरा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई इंडेक्स नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाना। अगर 100 रुपए वो पहले खर्च कर रहा था, उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग ही 1000 रुपए, तो 1000 का 10% खर्च कर रहा था, तो 10% वो क्लिक कर दिया, 10% को राइट कर दिया। समझ में आया क्या, समझ में आया? अगला क्वेश्चन कौन बताएगा, इसका आंसर कौन बताएगा, चलो। द प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर 1960 कितना था, 110.3, एंड द प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर 1950, तो 1950 तो इससे पहले ही आएगा ना, कितना था, 98.4।
the purchasing power of money of 1950 in 1960. Purchasing power. Of 1950. नहीं, purchasing power of money of 1950 in 1960. अच्छा, कैसे करेंगे? इसका formula बड़ा simple है. Index number of 1960. Purchasing power निकालने का formula समझो. Index number of 1960 divided by index number of 1950. खत्म. Very good बेटा. तो 1960 का इंडेक्स नंबर कितना है? 110.3 एंड 1950 का कितना है? 98.4. इसका आंसर कितना आया बेटा? 1.12. ऑप्शन ए. खत्म. परचेसिंग पावर ऐसे निकालते हैं. परचेसिंग पावर ऑफ 1950 ऑफ रुपीज ऑफ 1960 में पूछ रहे हैं, इसलिए 1960 ऊपर आएगा, 1950 की प्राइस नीचे आएगी. दोनों को डिवाइड करोगे तो परचेसिंग पावर आ जाएगी. अब मुझे ये समझ में नहीं आया है कि ये 1.12 क्या है. ये क्या है? परचेसिंग पावर है किसकी? एक रुपए की. एक रुपया किसका? एक रुपया 1950 का. एक रुपया 1960 में किसके बराबर होगा? 1.12 के आसपास. समझ रहे हो? मतलब आप जो 1950 में एक रुपए में चीज खरीद पा रहे थे, किसमें? 1950 में. 1950 में अगर ये पेन एक रुपए का आ रहा था, 1950 में एक रुपए का ये पेन आ रहा था, तो 1960 में यही पेन 1.12 रुपीस का आएगा. 12 पैसे आपको ज्यादा देना पड़ेगा. तो कॉमन सेंस है, इसी को परचेसिंग पावर बोलते हैं, है ना? कि एक रुपए की परचेसिंग पावर कितनी हो गई, तो 1.12 बढ़ गई. आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन. ओहो, इसमें तो क्लियरली दिखाया कि क्या पूछ रहा है. लेस्पेरेज इंडेक्स पूछा है, लेस्पेरेज इंडेक्स पूछा है, लेस्पेरेज इंडेक्स पूछा है. आता है क्या फॉर्मूला? आता है क्या फॉर्मूला? आया क्या कुछ समझ में? n क्या है? 1. याद रखना. तो ये ना, ये पी एन क्यू जीरो दिया है, मतलब कितना दिया है? पी वन क्यू जीरो दिया है, कितना? 1900 डिवाइडेड बाय ये पी जीरो क्यू जीरो दिया है क्या? कहाँ दिया? ये दिया 1360. 100. सर बाकी डेटा का क्या करें बेटा? घर ले जाओ, पैक करा लो, घर ले जाओ. पैक करा लो इसको और घर ले जाओ. अब लेस्पेरेंस के फॉर्मूला में जितना डेटा यूज होगा उतना ही तो करूंगा ना, बाकी छोड़ दूंगा. हाँ, आ रहा है ना? इसमें 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं. वैसे लेस्पेरेंस के फॉर्मूला में 100 से मल्टीप्लाई होता है, बट ऑप्शन में ऐसे दिया है कि बिना 100 के मल्टीप्लाई किए हुए दिया है, तो हम ऐसा लिख देंगे. मेरा आंसर आ रहा है 1.397. ऑप्शन सर 100 से मल्टीप्लाई करना ऑप्शनल है क्या? आपने आप नन ऑफ दिस पे क्यों नहीं क्लिक कर रहे हो, जबकि आंसर तो 139 समथिंग आ रहा है. नहीं बेटा, ऑप्शनल. देखो, अगर आपसे परसेंटेज के फॉर्म में आंसर पूछेंगे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है. अगर परसेंटेज नहीं पूछ रहे, डेसिमल के फॉर्म में आंसर पूछ रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है. तो यहाँ पे इन्होंने डेसिमल के फॉर्म में आंसर पूछा है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा. आंसर आएगा 1.39. मुझे ऑप्शन देख के ही पता लग जाएगा कि मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है. कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है. अगला क्वेश्चन. अरे ये तो आप कर ही लोगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है. हो जाओ शुरू. नहीं, आसान नहीं है यार, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. द कंज्यूमर प्राइस ऑफ द प्राइस इंडेक्स ऑफ 1985 वाज 125, द फूड प्राइस इंडेक्स वाज 120 एंड द अदर आइटम इंडेक्स वाज 135. द परसेंटेज ऑफ द टोटल वेट इंडेक्स गिवन टू द फूड. ठीक है, समझ में आ गया क्या पूछ रहा है. अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो मजे आ जाएगा आपको. इतना शानदार प्यारा क्वेश्चन है.
आया क्या समझ में? नहीं आया, नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन किया ही नहीं, क्यों उलझ रहे हो? रुक जाओ, चलो तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन कल करेंगे, है ना? वैसे कितने क्वेश्चन बचे हैं? दो ही बचे हैं यार, करा दे, करा तू, ठीक है सर की क्लास 5 मिनट लेट शुरू होगी, चलो बड़े फटाफट फिनिश करते थे, दो क्वेश्चन बचे जल्दी से फिनिश करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ अप्रैल 1985 अच्छा सुनो, देखो सीपीआई, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात हो रही है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किससे बनता है? फूड प्राइस इंडेक्स प्लस अदर प्राइसेस इंडेक्स, क्या लिखा है? अदर प्राइस, अदर आइटम इंडेक्स भाई, अदर प्राइस इंडेक्स या अदर आइटम इंडेक्स, सो इसको मैं ओआईआई बोल दूंगा। ओआईआई का क्या मतलब हुआ? अदर आइटम इंडेक्स, लेकिन डायरेक्ट प्लस नहीं होता। अरे रुको आप, अरे आप भावनाओं में बह गए, रुको अभी, ऐसे डायरेक्ट प्लस थोड़ी होता है, डायरेक्ट प्लस नहीं होता बेटा, फूड प्राइस को कुछ वेटेज देंगे और अदर आइटम्स के को भी कुछ वेटेज देंगे। सर कैसे? जब बेटा मुझे महंगाई निकालनी होती ना, तो क्या हर चीज का इक्वल इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में? हर चीज का क्या इक्वल इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में? नहीं है। फूड का इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में ज्यादा है कंपेयर टू अदर प्राइजेस, समझ रहे हो ना? अब ये माउस की प्राइस बढ़ गई तो ये मेरे लिविंग को या मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग को इतना डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मैं कौन सा रोज माउस खरीदता हूँ या माउस कौन सा मैं रोज खाता हूँ कि भाई मुझे खाना ही लेना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, तो मुझे फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, साल में एक बार खरीदूंगा तो इससे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि फूड से मुझे फर्क पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि जब मैं महंगाई कैलकुलेट करूं तो जो फूड की प्राइसेस बढ़ रही है तो उसको मैं ज्यादा महत्व दूं, ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं, और जो माउस की प्राइस बढ़ रही है उसको मैं कम इंपॉर्टेंस दूं, क्योंकि ये तो रोज यूज नहीं होता, समझ में आ रहा है? तो मैं क्या कर रहा हूं, उस इंपॉर्टेंस कितना इंपॉर्टेंस दूं उसी को तो वेटेज बोलते हैं, कि मैं कितना वेटेज फूड को दूं और कितना वेटेज अदर आइटम्स को दूं। आप बताओ किसको ज्यादा देना चाहिए, है ना? तो अब ध्यान से सुनना बेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फूड को हम एक्स परसेंट वेटेज दे रहे हैं, एक्स वेटेज किसको दे दिया, फूड को, और वाई वेटेज किसको दे दिया, अदर आइटम को, ठीक? तो अपना जो सीपीआई है 125, मैं एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि टोटल एक्स प्लस वाई वेटेज दिया ना 125 को। फूड प्राइस इंडेक्स कितना है 120, इसको कितना वेटेज दिया, एक्स, और एक और क्या बचा, 135। अदर प्राइस इंडेक्स कितना है 135, इसको कितना वेटेज दिया, वाई। वेटेज देने का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई करना, वेटेज देने का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई करना। चलो 125x प्लस 125y, 120x प्लस 135y, 125 में से 120 आएगा तो 5x आएगा, बोलो हाँ के ना, इधर कितना आएगा, 135 में से 10y आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2y। चलो मिल गया मुझे x की वैल्यू कितनी आई, 2y आई। अब मुझे निकालना है कितना है टोटल वेटेज टू द फूड, टोटल वेट टू फूड कितना आएगा, x दिया ना फूड को, फूड को कितना वेट दिया, x, x डिवाइडेड बाय टोटल, x डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100, परसेंटेज निकल जाएगा। x की वैल्यू कितनी नहीं पता मुझे, x की वैल्यू कितनी मुझे नहीं पता, हाँ मतलब वो चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, y की जगह कितना लिख सकता हूँ, y की जगह कितना लिख सकता हूँ, x बाय टू, समझ रहे हो कि नहीं समझ, तो y की जगह कितना लिख दूंगा, ऊपर से भी x कॉमन आ जाएगा तो 1 बचेगा, नीचे से x कॉमन आ जाएगा कितना बचेगा, 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू 100, ये x x कैंसल, ऊपर से भी x आया बाहर, नीचे से भी x बाहर आया, कैंसल हो गया। अब 1 को किससे डिवाइड करना है, 1.5 से, 1 को 1.5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 66.66%। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ है ना, कौन सा है? तो ऐसे निकालते हैं बेटा, किसी पर्टिकुलर को कितना वेटेज देना है वो ऐसे निकालते हैं। बस अब एक क्वेश्चन और जल्दी बचा है, वो हम फिनिश करते हैं, एंड देन वी विल वाइंड अप दिस एंटायर चैप्टर। ये चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है, ये पूरा सिलेबस खत्म हो रहा है, ये लास्ट सेशन है अपना इसका रेगुलर सेशन, फिर रिविजन स्टार्ट करेंगे, तो ये लास्ट सेशन है, लास्ट प्रॉब्लम हम करते हैं अब, फाइनल, हियर वी गो।
ये क्वेश्चन अच्छा है, आप कर दोगे, जल्दी से करो। भाई 2010 2011 ले लेते हैं, प्राइस इंडेक्स 110 था पहले, कितना हो गया 200 हो गया, सैलरी कितनी बढ़ गई वर्कर की 330 से कितनी हो गई 500 हो गई। अब द रियल टर्म्स, तो लॉस हुआ कि फायदा हुआ, तो यहाँ इसको एक्स मान लेते हैं, नई सैलरी पुरानी सैलरी डिवाइडेड बाय पुराना इंडेक्स नंबर, नई सैलरी डिवाइडेड बाय नया इंडेक्स नंबर, एक्स की वैल्यू आ गई 600, तो उसको तो लॉस हुआ ना बेटा। हाँ बेटा उसको तो लॉस हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ, 100 रुपए का लॉस हुआ। 100 रुपए का लॉस किसी ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा, नन ऑफ दिस। तो फाइनली वी आर डन विद द 18 चैप्टर एज वेल एज वी आर डन विद द एंटायर मैथ्स। आज हमने मैथ्स का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, आपने इतने दिन से मुझे सुना, थैंक यू सो मच। और अब हम रिविजन शुरू करेंगे जल्दी ही।